हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिपल सी के विषय में बात करते हैं। ट्रिपल सी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, जो किसी किसी का फरवरी में रहा होगा फ्रेंड्स, और किसी किसी का मार्च में एग्जाम है। तो आज हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका मार्च में दो मार्च को जिसका किसी किसी का पेपर होगा फ्रेंड्स, या किसी किसी का एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। तो आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर सेट लगाते हैं फ्रेंड्स, जो कि 50 क्वेश्चन का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट कंप्यूटर फ्रेंड्स, पहला कंप्यूटर कौन सा था इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला कंप्यूटर था एबकस। सेकंड, सीडी स्टैंड्स फॉर होता है कंपैक्ट डिस्क, कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है तो कंपैक्ट डिस्क होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएमडी स्टैंड्स फॉर, तो इसका होता है फुल फॉर्म एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी और डैश आर स्टैंड्स फॉर कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OMR स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे होंगे फ्रेंड्स। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LAN स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। WWW स्टैंड्स फॉर, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, कभी कभी तो SSC में पूछ लेता है और ट्रिपल सी में तो मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड वेब। TV स्टैंड्स फॉर, कभी कभी ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट एंड सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर कॉपी, शॉर्ट की एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि कॉपी के लिए कौन सा शॉर्ट की बटन पेस्ट किया जाए, तो फ्रेंड्स ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका शॉर्ट की आएगा Ctrl+C। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर कट, Ctrl+X, एंड व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर पेस्ट, Ctrl+V। यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की पूरी पूरी उम्मीद है। इस 50 क्वेश्चन से फ्रेंड्स पूरा उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, कई बार पूछा जाता है। और जैसे ये टीवी यानी स्टैंड्स फॉर यानी टेराबाइट, WWE तो कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे ही जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर बोल्ड, शॉर्ट की फॉर बोल्ड तो Ctrl+V। व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर हेल्प, F1। व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर सर्च, तो इसका आएगा F3। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर रिबूट कर देना, तो Ctrl+Alt+Delete। नेक्स्ट फ्रेंड्स व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर हाइपर लिंक, Ctrl+T। व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर गो टू मेनू इज इन MS Word, तो Ctrl+G है। और नेक्स्ट है कि व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर इंसर्ट, व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर इंसर्ट ऑफ अ न्यू स्लाइड इन MS PowerPoint, तो इसका राइट आंसर है none of the above, ये चार ऑप्शन थे, इसका राइट आंसर none of the above है। और ASCII स्टैंड्स फॉर, कई बार बहुत बार एग्जाम में पूछोगे फ्रेंड्स ये भी, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन, ASCII, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इन इंटरचेंज। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर बोल्ड, Ctrl+V। व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर हेल्प, F1। व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर सर्च, F3। व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर रिबूट करना, Ctrl+Alt+Delete। व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर हाइपर लिंक, Ctrl+K। और व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर गो टू मेनू इन MS Word, कई बार पूछे जाते हैं Ctrl+G। और व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर इंसर्टेशन ऑफ अ न्यू स्लाइड MS PowerPoint, तो इसका फ्रेंड्स है none of the above। ये भी कई बार एग्जाम पूछे हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंड्स कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इन इंटरचेंज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि ALU स्टैंड्स फॉर,
इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ ये, अ टेप ड्राइव ऑफर्स एक्सेस टू डेटा, तो इसका राइट आंसर है सिक्वेंटली। नेक्स्ट है कि रिमूविंग अ वीडियो प्रॉपरली रिक्वायर्स डैश इट, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डिलीटिंग। चार ऑप्शन दिए थे, इसका राइट आंसर है डिलीटिंग। सी यू इज द पार्ट ऑफ, इसका राइट आंसर है सी पी यू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ए एल यू इज द पार्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है सी पी यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा हुआ है कि www testonet blogspot.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉग का, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स है ब्लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि prom एंड eeprom आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स है रोम। दोबारा रिकॉल करते फ्रेंड्स, ALU stands for arithmetic logic unit। Next है a tape drive offers dash access to data sequentially। Next है removing a video properly requires dash it, इसका है फ्रेंड्स राइट आंसर है deleting। Next है CU is the part of, इसका राइट आंसर है CPU। और next है फ्रेंड्स ALU is the part of, इसका राइट आंसर है CPU। नेक्स्ट फ्रेंड्स www testonet blogspot.com इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ब्लॉग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स eeprom एंड eeprom आर द एग्जांपल ऑफ, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रोम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि SRAM स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर होगा स्टैटिक रैम। नेक्स्ट फ्रेंड्स IMAC इज द नेम ऑफ, इसका राइट आंसर होगा मशीन। फ्लैश मेमोरी इज, राइट आंसर होगा इसका रोम। एंड अ प्लॉटर इज अ, इसका राइट आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट फ्रेंड्स टू रिनेम अ फाइल और फोल्डर डैश की इज यूज्ड F2, इसका राइट आंसर F2। एंड अंडो इज डन बाई कंट्रोल प्लस जेड। एंड नेक्स्ट है कि रेडियो इज डन बाय कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये कंट्रोल प्लस बी इज यूज्ड फॉर बोल्ड। नेक्स्ट है टू ओपन अ फाइल इज एमएस वर्ड वी यूज कंट्रोल प्लस ओ, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, बहुत बार पूछा हुआ है, एग्जाम फाउंडर से वेरी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हु इज द फादर ऑफ www, तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर है टिम बर्नर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द फॉर्मेट ऑफ करेक्ट ईमेल इज, तो इसका करेक्ट होगा यूजर नेम एट द रेट डोमेनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फाइंड अ राइट ईमेल, तो इसका होगा manthan.prakash@gmail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द एक्सटेंशन ऑफ MS Excel इज, तो इसका राइट आंसर होगा ए। एंड द एक्सटेंशन ऑफ MS Word इज, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint इज, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, यानी पॉइंट PPT। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सटेंशन ऑफ Notepad इज, इसका राइट आंसर ए होगा, यानी पॉइंट TXT। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द एक्सटेंशन ऑफ WordPad इज, इसका राइट आंसर ए होगा, यानी पॉइंट RTF। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज इज, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी पॉइंट HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज, इसका राइट आंसर ये होगा JPG। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल इज, तो इसका होगा 3GP। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सटेंशन ऑफ ग्राफिक फाइल इज, ये होगा GIF।